हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन सी है, तो आपके माइंड में सबसे पहले आएगा यूएस डॉलर, जिसकी आज के दिन कीमत ऑलमोस्ट 81 इंडियन रुपीस के आसपास है। यूएस डॉलर के बाद में भी आप सोचेंगे कि ब्रिटिश पाउंड होगी। ब्रिटिश पाउंड की कीमत करीब 105 इंडियन रुपीस के आसपास है। इसके बावजूद भी जो यूएस डॉलर और ब्रिटिश पाउंड है, ये दुनिया की सबसे महंगी करेंसी नहीं है, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि सबसे जो पॉपुलर करेंसीज हैं उनमें ये गिनी जाती हैं। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन सी है? तो ये है कुवैती दिनार। कुवैती दिनार करंटली, यानी आज के दिन, ऑलमोस्ट 270 इंडियन रुपीस के इक्वल है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे क्या रीजंस हैं कि कुवैती दिनार की कीमत इतनी ज्यादा है, बट फिर भी ये इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो कुवैती दिनार के बारे में जानने से पहले हमें थोड़ा जो कुवैत कंट्री है उसकी हिस्ट्री के बारे में जानना पड़ेगा। बहुत ही कम लोग हैं दुनिया में और इवन इंडिया में भी जिनको ये पता है कि 1961 तक जो कुवैत कंट्री थी उसमें जो करेंसी यूज होती थी वो इंडियन रुपीस थी। इसका नाम था गल्फ रूपी। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि जो कुवैत कंट्री है वो इंडियन रूपी को क्यों यूज करता था। तो इसके पीछे रीजन ये है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया के साथ साथ कई और जगहों को भी कंट्रोल करते थे, जिसमें जो पर्शियन गल्फ एरिया है, जो आज के दिन जो गल्फ कंट्रीज हैं, उनको भी ब्रिटिशर्स रूल किया करते थे। कुवैत एक बहुत ही ज्यादा छोटी कंट्री है और उस टाइम पर भी जो कुवैत की इकोनमी है वो इतनी ज्यादा बड़ी नहीं थी। तो ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि क्यों ना कुवैत कंट्री में जो इंडियन रूपी है उसी को यूज में लाया जाए। तो इससे क्या होगा, जो एक हेडेक होती है नई करेंसी को मेंटेन करने की, उसको प्रिंट करने की, वो उसको अवॉइड कर पाएंगे। तो 1947 तक ये डिसीजन ब्रिटिशर्स ले रहे थे। उसके बाद जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने देखा कि जो कुवैत कंट्री है उसमें इंडियन रूपी इजीली यूज किया जा रहा है, तो उन्होंने भी फर्दर जो परमिशन है उसको एक्सटेंड किया और कुवैत कंट्री को जो गल्फ रूपी है, यानी जो इंडियन करेंसी थी, उसको यूज करने दिया। इसके बाद 1961 में जो कुवैत कंट्री है वो अपनी खुद की करेंसी कुवैत दिनार को इंट्रोड्यूस करता है और धीरे धीरे उसको यूज में लाना शुरू करता है। इस टाइम तक जो गल्फ रूपी था वो भी सर्कुलेशन में था, जो कि 1966 तक सर्कुलेशन में रहता है और 1966 में कंप्लीटली फेस आउट कर दिया जाता है। इसके बाद साल आता है 1975, जब जो कुवैत कंट्री है वो अपने जो कुवैती दिनार है उसका जो एक्सचेंज रेट है वो फ्लोटिंग एक्सचेंज से फिक्स एक्सचेंज रेट कर देता है। तो इकोनमी में बेसिकली तीन तरह के जो एक्सचेंज रेट है वो यूज में लाए जाते हैं। नंबर वन पर है फिक्स एक्सचेंज रेट, नंबर टू पर है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और नंबर थ्री पर है मिक्स एक्सचेंज रेट। अब जो फिक्स एक्सचेंज रेट है उसमें जो कंट्रीज होती हैं वो अपनी करेंसी की वैल्यू, यानी जो उसका प्राइस है, उसको किसी दूसरी इंटरनेशनल करेंसी के साथ सिंक कर देती हैं, यानी फिक्स कर देती हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल लेके समझाऊं तो मान लीजिए कि 1 कुवैती दिनार इज इक्वल टू 3 US डॉलर। तो जब जब यूएस डॉलर का प्राइस ऊपर जाएगा तब तक जो कुवैती दिनार है उसका प्राइस भी ऊपर जाएगा, और जब अगर यूएस डॉलर नीचे जाएगा तो फिर कुवैती दिनार का प्राइस है वो भी नीचे जाएगा। बट जो कुवैत कंट्री है उन्होंने यहाँ पे एक क्लेवर डिसीजन ये लिया कि जो कुवैती दिनार है उसका प्राइस उन्होंने किसी एक करेंसी के साथ फिक्स नहीं किया, बल्कि जो इंटरनेशनल कई फेमस करेंसीज हैं उनकी एक बास्केट बनाई, उनका एक परसेंटेज उसमें फिक्स किया और फिर उस परसेंटेज का जो कंबाइंड रेशियो निकला उसके साथ उन्होंने कुवैती दिनार का प्राइस फिक्स कर दिया। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि हो सकता है कि एक करेंसी, जो किसी भी देश की कोई करेंसी है, अगर वो करेंसी कंप्लीटली क्रैश कर जाए तो फिर जो कुवैत दिनार है वो सेफ रह सके। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारी करेंसीज एक बार में ही क्रैश कर जाएंगी, तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए उन्होंने काफी सारी करेंसीज का यूज किया। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में जो करेंसी की वैल्यू सेट होती है वो उस करेंसी की इंटरनेशनल डिमांड है उसके बेसिस पर सेट की जाती है। जो हमारा इंडियन रूपी है वो 1991 से फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को ही यूज कर रहा है। 1991 से पहले जो इंडियन रूपी था वो फिक्स एक्सचेंज रेट पर बेस्ड था। जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, अगर उनकी करेंसीज को हम छोड़ दें तो वर्ल्ड में जितनी भी और सारी कंट्रीज हैं वो अपनी करेंसीज को फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पर रखती हैं। आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि फिर इंडिया जो इंडियन रूपी है
उसको फिक्स एक्सचेंज रेट पर सेट क्यों नहीं कर देता। और जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग कुवैत, उन्होंने अभी तक जो फिक्स एक्सचेंज रेट है उसको क्यों अडॉप्ट कर रखा है, इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। जो फिक्स एक्सचेंज रेट है उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपकी करेंसी दूसरी करेंसीज पे डिपेंड रहती है। यानी मान लीजिए वर्ल्ड वाइड रिसेशन आए तो यूरो, पाउंड, डॉलर ये सब क्रैश कर जाएंगे, तो डजंट मैटर आपकी जो कंट्री है उसकी इकोनॉमी कैसी है, आपकी करेंसी डूबेगी ही डूबेगी, उसका प्राइस भी जो और करेंसीज हैं उनके साथ साथ क्रैश कर जाएगा, क्योंकि आपकी करेंसी फिक्स एक्सचेंज रेट पर है और वो दूसरी करेंसीज पर डिपेंड करती है। फिक्स एक्सचेंज रेट का दूसरा नुकसान ये है कि फिक्स एक्सचेंज रेट में भी आपको अपनी करेंसी को मेंटेन करके रखना पड़ता है, जिसके लिए आपको चाहिए खूब सारा फॉरेक्स रिजर्व। फॉर एग्जाम्पल, अगर कुवैती दिनार की जो इंटरनेशनल डिमांड है वो कम होती है तो उसकी वैल्यू इंटरनेशनली गिरेगी ही गिरेगी, बेशक चाहे उसको और करेंसीज के साथ सिंक कर रखा है, फिक्स कर रखा है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। बट आप इस डिमांड को वापस रिवाइव कर सकते हैं अगर आपके पास फॉरेक्स रिजर्व है तो। फॉरेक्स रिजर्व का यूज करके आप जो इंटरनेशनली जाके आप अपनी ही करेंसी को बाय बैक कर सकते हैं, जिसके बाद जो आपके करेंसी की वैल्यू है वो वापस से ऊपर चली जाएगी। कई बार जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो भी इंडियन रूपी की वैल्यू को मेंटेन करने के लिए कई बार ऐसा ही करता है। जब 1991 में इंडिया ने जो फिक्स एक्सचेंज रेट है उससे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में स्विच किया था अपने इंडियन रूपी को, तो उसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन जो फॉरेक्स रिजर्व था वो था क्योंकि इंडिया के पास 1991 में फॉरेक्स रिजर्व काफी ज्यादा कम हो गया था। इसके साथ साथ जो इंडियन रूपी है उसकी इंटरनेशनल डिमांड भी कम हो गई थी, तो इसकी वजह से उनको फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में स्विच करना पड़ा, क्योंकि फिक्स एक्सचेंज रेट में जो वैल्यू है उसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास इनफ फॉरेक्स रिजर्व था ही नहीं। जो फिक्स एक्सचेंज रेट होता है उसमें उस कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है उसके पास ऑलमोस्ट कोई भी पावर नहीं होती, ना के बराबर उसके पास पावर्स होती हैं। बट जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है उस कंट्री का जो जैसे हमारी कंट्री में रिजर्व बैंक है उसके पास पावर होती है कि वो इंटरेस्ट रेट है उनको इंक्रीज कर सकता है, करेंसी की प्रिंटिंग है उसको कंट्रोल कर सकता है, अपनी खुद की करेंसी को डीवैल्यू कर सकता है, जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको रिवाइव किया जा सके। ये सब कुछ चीजें जो फिक्स एक्सचेंज रेट होता है उसमें पॉसिबल नहीं होती। इतने सारे नुकसान होने के बाद भी जो गल्फ कंट्रीज हैं वो अपनी करेंसी को फिक्स एक्सचेंज रेट पर क्यों रखती हैं? तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये जितनी भी गल्फ कंट्रीज हैं इनकी जो इकोनॉमी है वो है ऑयल बेस्ड, जो इनकी इकोनॉमी है वो कंप्लीटली तेल पर बेस्ड है। ये चीज सबको पता है कि जो ऑयल है, क्रूड ऑयल है, उसके प्राइस फिक्स नहीं होते, वो काफी ज्यादा फ्लैक्चुएट करते हैं, यानी कभी बहुत ज्यादा ऊपर कभी बहुत ज्यादा नीचे। अगर आपको याद हो तो कोविड के टाइम पर जो क्रूड ऑयल के प्राइस हैं वो नेगेटिव में भी चले गए थे। अब अगर जो जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं वो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को अडॉप्ट करती, उसको यूज करती, तो जो उनकी करेंसी की वैल्यू है वो भी क्रूड ऑयल की जो वैल्यू ऊपर जाती है फिर नीचे जाती है, ऐसे ही बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएट होती, जो कि प्रैक्टिकली अच्छी चीज नहीं होती किसी भी करेंसी के लिए। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए उन्होंने अपनी करेंसी को स्विच किया फिक्स एक्सचेंज रेट पर। कुवैत जो कंट्री है उसके पास फॉरेक्स रिजर्व की कोई भी कमी नहीं है, इवन जितनी भी गल्फ कंट्रीज हैं उनके पास इनफ फॉरेक्स रिजर्व है, तो अपनी करेंसी की वैल्यू को मेंटेन करने में भी कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। तो अब मेन क्वेश्चन ये है कि जो कुवैती दिनार है उसकी जो वैल्यू है वो इंडियन रूपी 270 के आसपास है, तो इतनी ज्यादा हाई वैल्यू क्यों है, कुवैती जो दिनार है वो इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव क्यों है। तो किसी भी जो करेंसी का प्राइस है उसको सेट करने के पीछे काफी सारे फाइनेंशियल और इकोनॉमिक फैक्टर कंसीडर किए जाते हैं, बट जो मेन फैक्टर होता है वो होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसके बेसिस पर किसी भी करेंसी की इंटरनेशनल वैल्यू है उसको सेट किया जाता है। कुवैत कंट्री के पास जो बाहर से पैसा आता है क्रूड ऑयल को सेल करके, या फिर उनके पास जितनी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है उनकी कंट्री में, वो कहीं ज्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ जितना कुवैत कंट्री इंपोर्ट करती है, यानी उनके एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल है अगर हम कंपेयर करें उनके एक्सपोर्ट से। यही रीजन है कि कुवैती दिनार इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसकी वैल्यू 270 इंडियन रुपीज है
और इसी के साथ ये दुनिया की सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव करेंसी है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।